उत्तराखंड सेवा दल की नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष हेमा पुरोहित ने आज पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह समेत कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हेमा पुरोहित ने बताया कि प्रदेश में जितने भी ज्वलंत मसले हैं उनको लेकर सेवा दल सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध करेगी। साथ ही कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक का मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती समेत तमाम मसलों को लेकर सेवा दल मुखर रहेगा। एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने, किस तरह से देखते हैं आगे की क्या रणनीति? चैलेंज तो कोई नहीं है और हम लोग जो है कांग्रेस को मजबूत करेंगे और कांग्रेस की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और केदार भंडारी अंकिता हत्याकांड जैसे, किरण नेगी जैसे कांड हो जाते हैं, सरकार मौन है। सरकार का मौन रहना मौन स्वीकृति है ऐसे भ्रष्टाचारों को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आम जन की लड़ाई कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। संगठनात्मक तौर पर देखा जाए तो कांग्रेस कहीं ना कहीं संगठन में पिछड़ती भी दिखाई देती है, मजबूती के लिए क्या? संगठन ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा होता है, पर लेकिन अब मजबूती से काम करेंगे। और यदि हमारे उत्तराखंड में कोई ऐसी घटनाएँ घटती हैं तो पूरा कांग्रेस एक साथ है।